दोस्तों, अगर आप फखर जमान को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आज बताएंगे कि फखर जमान ने ऐसा क्या किया कि दुनिया उनकी दीवानी हो गई, क्योंकि फखर जमान और पाकिस्तान ये दो चीज़ें इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि दुनिया समझ ही नहीं पाती कि पाकिस्तान अपना बेस्ट कब देगा, क्योंकि यह वर्ल्ड कप का मंच है और यहाँ 400 रन सबसे बेहतरीन स्कोर होता है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम आज 401 रन बनाकर भी 21 रन से DLS मेथड के तहत मैच हार गया और यह इतिहास का एक ऐसा मैच है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। चाहे वो फखर जमान का 11 छक्का हो या फखर जमान का सबसे कम बॉल खेलकर पाकिस्तान के तरफ से सबसे तेज शतक लगाना हो, यह एक इतिहास में दर्ज हो गया। क्योंकि पाकिस्तान की टीम हमेशा तब अपना बेस्ट निकालती है जब पाकिस्तान के ऊपर दुनिया की सारी प्रेशर आके जमा होता है। शायद लग रहा है कि 1992 की याद फिर से ताज़ा हो रही है, क्योंकि 1992 में भी पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। जब पूरी दुनिया सोच रही थी पाकिस्तान बाहर हो चुका, तब पाकिस्तान ने कमबैक किया और दुनिया देखती रह गई और इमरान खान के कप्तानी में ट्रॉफी उठाया। लेकिन आज हम बात करेंगे फखर जमान और न्यूजीलैंड के बारे में। फखर जमान ने जीत के बाद क्या कहा भारत के बारे में? फखर जमान आज बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल इतने खतरनाक मूड में लग रहे थे मानो फखर जमान कुछ अलग ही दुनिया से आए हों और यह पाकिस्तान से बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि यह वही पाकिस्तान है जिसने पिछले 1200 गेंदों में कभी छक्के ही नहीं लगाए थे, खासकर पावर प्ले में। और यही फखर जमान है जो टीम में शामिल होते ही मात्र 2 मैचों में 19 छक्के लगा चुके हैं, जो इतिहास में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि फखर जमान से पहले इमामुल हक को उसके जगह पे खिलाया जाता था और इमामुल हक इतने स्लो खेलते हैं कि पाकिस्तान की टीम उसके इर्द गिर्द बिल्कुल ही खड़ी नहीं हो पाती थी और पाकिस्तान चाहकर भी एक अच्छा टोटल किसी टीम को नहीं दे पाता था। लेकिन आज फखर जमान ने वो कारनामा किया जो पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। फखर जमान और बाबर आजम ने मिलकर पाकिस्तान टीम को 200 रन तक सिर्फ 25 ओवरों में पहुंचा दिया और DLS के तहत इस मैच को 21 रन से पाकिस्तान को जितवा दिया, जिसमें फखर जमान ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मात्र 81 गेंदों में 126 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं कप्तान बाबर आजम ने 63 गेंदों में 66 रन की एक अच्छी पारी खेली। न्यूजीलैंड के बॉलर कुछ खास नहीं कर सके, शायद इस पिच में उतनी बॉलरों के लिए कुछ मदद नहीं था, लेकिन फिर भी जितने रन थे यह बचाने के लिए किसी भी टीम के लिए काफ़ी थे। लेकिन न्यूजीलैंड शुरू से ही बहुत ही डिफेंसिव क्रिकेट खेलते रहे और विकेट लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, जिसके कारण पाकिस्तान ने इस मैच को बहुत आसानी से जीत लिया। क्योंकि सबको पता था यहाँ बारिश होने की पूरी आशंका है और बारिश होती तो फायदा उस टीम को होता जो बाद में बल्लेबाजी करती है, क्योंकि DLS के तहत पता होता है कि कितने स्कोर अब हमें चाहिए। लेकिन फखर जमान जब मैन ऑफ द मैच बने तो उसके बाद उसने भारत की तारीख में इतने कुछ कहे जो आपको बता नहीं सकता। फखर जमान ने कहा कि भारत एक बहुत अच्छा हॉस्ट है, यहाँ की जो भी दर्शक मैच देखने आती है उनमें एक अलग एनर्जी है और वह हमें बहुत अच्छा लगता है, उसे देखकर हमें सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत जब से हमारा आना हुआ तब से भारतीय दर्शक और भारतीय पब्लिक का जो प्यार है हमारे लिए वह किसी अनोखे से कम नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।